you mm -hmm. नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं सात नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज सोमवार है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो सायंकाल चार बजकर के पंद्रह मिनट तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है अश्विनी नक्षत्र है सिद्धियोग वणिज करण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज मेषराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के बीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के तीन मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल प्रातः साढ़े सात बजे से नौ बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिक प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज देव दीपावली है दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा शनिदेव के गोचर से संबंधित है दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की चंद्रमा और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तो ही मंगल मिथुन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं केतु बुध सूर्य और शुक्र ये चार ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शनिदेव का संचरण मकर में है तो वहीं देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं ये है ग्रह स्थिति गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन केतु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सोमवार का दिन और ये चंद्रमा मंगल की राशि में संचरण कर रहे हैं कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहना है और सबसे जरूरी कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सके इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रहस्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो बता दूं 12 नवंबर पांच दिन आगे अगर हम चलें तो 12 नवंबर दिन शनिवार होगा रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है गोचर की चर्चा क्या है आइए आपको बता दूं प्रिय दर्शकों वर्तमान समय में शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में संचरण कर रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि इस माह के अंत तक तो ये धनिष्ठा के प्रथम चरण में ही रहेंगे अब जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है उन्हें तो विशेष रूप से सचेत रहना ही रहना है साथ ही साथ जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है यानी मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोग उन्हें भी सावधान रहना है शनिदेव धनिष्ठा में संचरण कर रहे हैं फलतः ये आपके लिए यानी मृगशिरा में जन्मे लोगों के कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानियों की सूचना है यहां पर पूर्वा फाल्गुनी हस्त ज्येष्ठा और पूर्वा साढ़ा इन सभी नक्षत्र के जातकों को भी अभी लगातार सावधानी बरतनी है और सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना है कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना और अगर करना है तो पहले भली भांति विचार कर लीजिए यह समय आपको मानसिक रूप से आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशानी में डालने वाला है अतः बहुत सचेत रहिए सावधान रहिए हनुमान जी की आराधना करिए साथ ही साथ हो सके तो छायादान अवश्य करिए शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर की तीन परिक्रमा भी अवश्य करिए प्रिय दर्शकों शनिदेव का ये जो गोचर वर्तमान में मकर राशि में शनिदेव संचरण कर रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण पर इनका संचरण है अब आप जानते हैं कि जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है उनके लिए बेहद सचेत और सावधान रहने का समय है मैं कहा करता हूं नब्बे दिन का वो समय जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र से गुजर रहे होते हैं विशेष करके आपके जन्म नक्षत्र के उस चरण से गुजर रहे होते हैं जबकि आपका जन्म हुआ है ये वो समय होता है जहां बेहद सचेत होना चाहिए कई बार आपको यह प्रतीत होगा कि मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है मैं जो भी कर रहा हूं अच्छा ही हो रहा है और मैं बार बार एक ही बात कहा करता हूं कि जब आप जो कर रहे हो और वो सब कुछ अगर ठीक लग रहा हो विशेषकर शनिदेव के प्रभाव में हो आप किसी भी तरह से साढ़े सात या ढैया के प्रभाव में हो शनि आपके जन्म नक्षत्र से गुजर रहे हैं या जैसे आज मैंने बाकी के पांच नक्षत्र धनिष्ठा के अलावा बाकी के पांच नक्षत्रों की चर्चा मैंने की तो अगर आप को ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं सब ठीक ही तो हो रहा है तो मैं बार बार एक ही बात कहा करता हूं तब तो यह और खतरनाक बात है आप जो कर रहे हैं वह सब कुछ ठीक ही हो रहा है तो इसका मतलब है कि खतरे की घंटी नहीं घंटा बज रहा है घंटी होती तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर यह है कि बाधा उत्पन्न हो ज्यादा बेहतर यह है कि आप परेशानी में हो तो व्यक्ति सचेत हो जाता है जब इंसान परेशान हो याद रखिएगा जीवन में दुर्घटना तब नहीं घटती जब आप परेशान अवस्था में हो जब इंसान परेशान हो तो वो पहले से ही परेशानी में है बहुत हद तक वो शांत और सचेत हो जाता है लेकिन जब आपके सारे दाव सारे पत्ते आपके एक के बाद एक जबरदस्त पड़ रहे हो तभी यानी सावधानी तभी घटती है और दुर्घटना घटती यानी खतरे की घंटी नहीं घंटा का संकेत है अगर कहीं आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप इन्हीं सभी नक्षत्रों में आ रहे हैं तो बहुत सचेत हो जाइए धनिष्ठा के प्रथम चरण वाले तो शत प्रतिशत सचेत रहे यह मैं डराने के लिए नहीं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं डराना उद्देश्य होता तो शायद कुछ और रास्ते में ढूंढ के लाता लेकिन मैं न तो ऐसा कोई उपाय आपको बता रहा हूं जिस उपाय को करके आप मुझे कुछ पैसे दे सकें बस सचेत कल को बिगड़ जाए तो फायदा क्या है फिर कि मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं कि मेरा इसी में जय है या मेरा इसी में फायदा है आपका अहित ना हो तो ये समय शांति से निकाल लीजिएगा सचेत रहिएगा अगर शांति से निकल गए तो फिर चिंता की बात नहीं फिर समय आने पर जोड़ लेंगे और जोड़कर बना लेंगे तो हनुमान जी की शरण में रहिए बचे रहेंगे चलते हैं राशिफल की ओर और आज देव दीपावली है अगर आपके आसपास देव दीपावली मनाई जाती है तो आनंद लीजिए मैं वाराणसी में हूं तो यहां तो आनंद ही है आज चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर है केतु के नक्षत्र में और आज सोमवार का दिन सहज है दिन सरल है दिन और संतुष्टि प्रदान करने वाला है दिन ऐसा नहीं है कि आप यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति पालेंगे लेकिन आज समस्या में रहते हुए भी समस्या का बहुत ज्यादा आपको आभास नहीं होगा यानी कुल मिलाकर के कहें तो मानसिक अशांति हो भी तो प्रयत्नतः तो आज आप खुश ही दिखाई पड़ रहे हैं यानी खुद भी प्रयत्न करेंगे कि चिंता करने की जरूरत नहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है तो यह बहुत अच्छी सूचना है अब अगर सचमुच की परेशानी बड़ी है तो परेशानी को समाप्त करने का प्रयत्न करिए समस्या की गहराई में जाइए क्यों ये परेशानी है उसको ढूंढ कर समस्या को ढूंढिए और उसे बाहर खत्म करने का प्रयत्न करिए कारोबारी आज व्यस्त रहने वाले हैं और काम बढ़िया रहेगा विशेष करके अगर आप खान पान से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है व्यापारी हैं और व्यापार में किसी भी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे हैं आपको सही सलाह मिलेगी और मार्ग मिलेगा समस्या से आप बाहर निकलेंगे बहुत हद तक, तक आपकी टेंशन दूर होगी जीवन साथी की राय भी आज आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होने वाली है दाम्पत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है घर का वातावरण भी खुशियों भरा ही है और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा तो वही बात अगर विद्यार्थी वर्ग की की जाए तो जबरदस्त है दिन मेहनत तो आप जैसी भी करें पर सफलता आपको मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी सचेत ज्यादा रहने की आवश्यकता नहीं यहां कफ जन्य रोगों को लेकर के सचेत रहिएगा यानी खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहले तो आज देव दीपावली है तो घी का दिया सायंकाल कम से कम अपने घर में पांच या ग्यारह की संख्या में घी का दिया अवश्य जलाइएगा और साथ ही साथ आज मंदिर में मिश्री का दान करिएगा लकी अंक तीन और लकी कलर आपके आज पीला है निवेश इत्यादि करते हैं कर सकते हैं वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा बारहवें है ठीक है दिन आप भी अगर शांति से आगे बढ़े तो कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है बल्कि शांति से आपके साथ सारे काम बनेंगे और सफल भी आप होंगे अब अलग बात है कि व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित नौकरी पेशा है तो नौकरी से संबंधित कर्मचारी व्यापारी है तो व्यापारी में व्यापार में कर्मचारियों से संबंधित यानी छिटफुट चिंता लगी रहेगी तो शांति से दिन को निकालना है मैंने खराब नहीं कहा है दिन फायदा देगा व्यर्थ के व्यय की संभावना है थोड़ा व्यय हो जाए थोड़ी चिंता हो जाए ज़्यादा समस्या नहीं है पर स्वास्थ्य पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए यानी इतनी टेंशन न पालिए कि स्वास्थ्य पर असर पड़े यात्रा आप कर सकते हैं यात्रा आपके लिए बढ़िया है एक बात ध्यान रखिए कि जो कार्य करना है पहले उसकी तैयारी करिए नहीं तो आज दिन ऐसा बना हुआ है कि बार बार कार्यों में रुकावट आएगी बार बार आपको बदलाव करना पड़ेगा और बार बार बदलाव करने से नुकसान हो सकता है बेवजह के गुस्से भी आपको आएंगे व्यर्थ का गुस्सा भी उत्पन्न होगा तो पहले तैयारी कर लीजिए रणनीति बना लीजिए फिर काम करिए और व्यय पर आपका आज नियंत्रण नहीं रहेगा ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं तो जरा सचेत रहिएगा विश्वास न करें किसी पर प्रेम संबंध में यदि कोई असंतोष है तो बातचीत करके उसे दूर करिए दाम्पत्य जीवन तो वैसे ठीक है परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप चिंतित तो रह सकते हैं और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए दिन अच्छा है स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा आपको सचेत रहना है स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी और साथ ही साथ नींद से संबंधित भी परेशानी हो सकती है आज देव दीपावली है सायंकाल घर में पांच या ग्यारह की संख्या में पांच सात ग्यारह की संख्या में घी का दिया अवश्य जलाइएगा लकी अंक चार लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है निवेश ना करें आप मिथुन के जातकों के लिए बेहद अद्भुत खास रहने वाला है दिन आपकी कई परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी और बल्कि परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप बाहर निकलने का प्रयत्न अवश्य करिए रुके हुए कार्य भी आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं किसी भी तरह की उलझन में हैं तो समझ लीजिए कि उलझन से समस्या से मुक्ति मिलेगी दिन बढ़िया है इस दिन का फायदा उठाइए यूं समझ लीजिए कि एक बड़ा नुकसान तब माना जाएगा जब आज आप इस दिन का फायदा न उठाएं विशेषकर धन कमाने के अवसर अगर आपको मिलते हैं तो उस अवसर में चूंकि मत धन कमाइए जिस तरह से भी कमा सकते हो किसी का नुकसान करके नहीं या किसी को परेशान करके नहीं तो कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से देखिए दिन बेहद सकारात्मक और आनंदवर्धक है समस्याएं खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी दिन बढ़िया है तो फायदा उठाइए और कई तरह के जुगाड़ भी आज आपके दिमाग में चलने वाले हैं जुगाड़ों से भी फायदा निकाल सकते हैं आप निवेश कोई बड़ा करने की सोच रहे हैं तो योजना बना करके करिए कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन फायदेमंद है उठाइए यानी कोई अच्छा दिन अच्छा है कोई खुशखबरी या कोई ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जिसे आप खुशखबरी के रूप में देखिए दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है प्रेम संबंध में हाँ मामूली तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है लेकिन उसे आप संभाल लेंगे और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही बाहर के भोजन से आपको आज बचना है आज सबसे पहले तो देव दीपावली है तो घर में पांच सात ग्यारह की संख्या में घी का दिया अवश्य जलाइएगा और साथ ही साथ अपने इष्ट देवता की आराधना करिए इष्ट देवता का ध्यान करिए लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए सफेद है निवेश आप अवश्य करिए कर्क के जातकों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा क्योंकि आपके रुके हुए नए रुके हुए जो कार्य हैं वो शुरू हो सकते हैं नए कार्य अभी शुरू ना करें जो भी पूर्व की समस्याएं हैं उसे पहले ठीक करिए आज केवल बाहर नहीं वरन घर के लिए भी सोचिए घर से संबंधित भी अगर कोई चिंता है परेशानी है कोई सपना है आप उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि जो भी पूर्व के बिगड़े काम थे उन्हें बनाने में आपको आपकी एनर्जी लगने वाली है तो दिन महत्वपूर्ण तो है आप फायदा उसका उठाइए मीटिंग इत्यादि करने के लिए किसी से मिलने जुलने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है इसका भी आपको फायदा मिलेगा और व्यापारियों को व्यापार में अच्छा फायदा मिलने वाला है कोई बड़ी डील आपकी फाइनल होने वाली है व्यापार नौकरी हर क्षेत्र में दिन ठीक है कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है तो हाथों हाथ उसे तो मत स्वीकार करिए या स्वीकार भी कर रहे हैं तो उस पर पहले सोच विचार कर लीजिए इसके बाद ही कदम उठाइए व्यर्थ के व्यय से बचिए और सबसे अच्छा आज के दिन को बढ़िया बनाने का एक तरीका है कि कोई अनुभवी हो कोई बुजुर्ग हो आपके माता पिता भी हो सकते हैं उनकी सलाह से अगर कदम आप उठाएं तो ज्यादा अच्छा होगा दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है प्रेम संबंध में भी दिन ठीक है प्यार का इजहार कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं सफलता प्रदायक है दिन विशेष करके जो लोग नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए दिन बढ़िया है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है लेकिन जिनको सीने में दर्द इत्यादि था या जिनको पहले से ही सिर दर्द था उनकी परेशानी आज यथावत रह सकती है लकी अंक आपके लिए आज पांच लकी कलर पर्पल और आज सबसे पहले तो देव दीपावली है तो घर में पांच सात या नौ ग्यारह की संख्या में घी का दिया जलाइए और साथ ही साथ केशर का तिलक अपने माथे पर भी अवश्य लगा लीजिएगा शिम्भ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है लाभप्रद है कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं अपने जीवन में तो इसके लिए दिन बहुत बढ़िया है किसी बड़ी टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी कोई बड़ी अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा यात्रा आपके लिए खास लाभप्रद सिद्ध होने वाली है और कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन में करने की तैयारी आप कर चुके हैं तो आज कर ही डालिए विशेषकर अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण करने की सोच रहे हैं तो अवश्य ही कर डालिए या कोई बुरी लत शराब सिगरेट इत्यादि मांसाहार ऐसी किसी लत से जूझ रहे हैं और मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आज दिन बढ़िया है नियंत्रण है आपके अपने खुद के ऊपर आप इन परेशानियों से इन बुरी आदतों से बाहर निकल सकते हैं योजना बना करके काम करिएगा मेहनत का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है जिद नहीं करना किसी भी तरह के मामले में जिद्द से शत्रुता बढ़ेगी और अगर शत्रुता है तो उसे भूलकर आगे बढ़िए कार्य क्षेत्र में आपके जो साथ के लोग हैं उनके साथ मनमुटाव बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही तो जरा सावधान रहिए कोई नया और बड़ा निवेश करने की सोच रहे तो कर सकते हैं प्रेम संबंध में मजबूती और जो अविवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होने वाला है विद्यार्थियों के आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन सफलता आपको प्राप्त होने वाली है कुल मिलाकर के दिन राशि के जातकों के लिए मैं बहुत बढ़िया कहूंगा आज देव दीपावली है तो घर में पांच सात नौ ग्यारह की संख्या में घी का दिया अवश्य जलाइएगा लकी अंक आपके लिए आज नौ लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है आज लौंग सात की संख्या में देवी के मंदिर में जाकर के माँ के चरणों में अर्पित करिए और बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है थोड़ी मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है तो आज आपको अपना व्यवहार सकारात्मक बना करके रखना है सबसे पहले तो लेन देन आज किसी के साथ नहीं करनी है आज बिन मांगी सलाह नहीं देना दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करना जितना हो सके व्यवहारिक बनिए जरूरत पड़ने पर संभव है कि आपको मदद न मिले लेकिन इसके बावजूद अगर सामने वाले को आप सामने वाला आपसे मदद की उम्मीद कर रहा है तो उसको मदद दीजिए उसको उसकी मदद करिए यात्रा कर सकते हैं यात्रा आपके लिए बढ़िया है कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से कोई बड़ी बातचीत या किसी भी मसले पर खास बातचीत करनी है उसके लिए दिन ठीक नहीं या अपनी कोई बात रखने वाले हैं आज उसके लिए दिन ठीक नहीं है कोई बड़ी महत्वपूर्ण तो मीटिंग इत्यादि है तो प्रयास तो यही रखिए कि आज ऐसे मीटिंग में आपको शामिल न होना पड़े अगर होते हैं तो अति गंभीर रहना होगा हर बात की गहराई में जाना होगा सुनी सुनाई बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है और सबसे बड़ी बात है परिवार बच्चे जीवन साथी प्रेमी इनके मामले में सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके तो कदम बिल्कुल ही मत उठाइएगा नहीं तो आज रिश्ते में दरार अवश्य पड़ेगी और सबसे जरूरी बात जिद करने से कन्या राशि के जातकों को बहुत नुकसान होगा अगर कोई बड़ी परेशानी में है जूझ रहे हैं तो अपने दोस्तों से अपनी परेशानी को आप शेयर कर सकते हैं शायद इससे आपका तनाव कम हो कहीं पैसा आपका फंस सकता है इससे भी आप थोड़े परेशान और तनाव में आएंगे यानी कुल मिलाकर के आज आपको अपने खुद का बहुत ध्यान रखना है और सचेत भी रहना है जीवन साथी का सहयोग मिलेगा परंतु जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल करना होगा वैसे तो आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए लकी अंक पांच लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और सबसे पहले तो आज देव दीपावली है सायंकाल घर में घी का दिया पांच सात नौ ग्यारह की संख्या में अवश्य जलाइए और माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही आज घर से बाहर जाइए तो आपको राहत मिले चैन मिले तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना अच्छा है दिन कोशिश करते चले जाइए आपको सफलता मिलेगी या यूं कहें कि सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है व्यापार में यदि कोई चिंता कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी विशेषकर व्यापार में यदि कोई विवाद या तनाव था उससे आपको मुक्ति मिलेगी कार्यस्थल पर अगर आप हैं नौकरी पैसा है तो वातावरण आपके अनुकूल ही है यूं समझ लीजिए कि छोटी मोटी बाधाएं हाँ आएंगी लेकिन वो खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी एक नई उमंग उत्साह के साथ ही व्यतीत होने वाला है दिन महत्वपूर्ण है दिन कोई बड़ा कार्य शुरू करने वाले हैं या करने वाले तो उसकी तैयारी शुरू करिए और एक सबसे जरूरी बात कहीं भी रहिए कोई भी काम करिए लापरवाही से बचिए अपने लक्ष्य के प्रति आपको पूरी तरह से एकाग्र रहना होगा एकाग्र रह करके ही आप सफल होंगे मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए मेहनत से आपको सफलता मिलने वाली है जल्दबाजी गलत तरीका शॉर्टकट केवल और केवल आपको नुकसान देने वाला है धन की स्थिति को लेकर के चिंतित हैं तो उसमें सुधार आएगा माता पिता भाई बहन विशेषकर भाई बहनों का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा प्रेम संबंध में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जीवन साथी से सहयोग मिलेगा प्यार मिलेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में कोई मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आपको विशेष रूप से एक मूल मंत्र ध्यान रखना है आज मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज ग्रे आज देव दीपावली है तो सायंकाल घर में घी का दिया अवश्य जलाना होगा पांच सात नौ ग्यारह की संख्या में घी का दिया जलाइए वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ट में है और आपको आगे बढ़ना है आकस्मिक परेशानियां आएंगी लेकिन आकस्मिक सफलताएं भी आपको मिलने वाली पहले एक मूल बात ध्यान रखिए कि कोई भी कार्य करना है तो कैसे करना है पहले उसका तरीका सोच लीजिए किस तरह से करेंगे कि आप सफल हो सकें तो पूरा खाका डाटा पहले से तैयार करके और तब आगे बढ़ेंगे तो अनचाही परिस्थितियों को मात देते हुए आगे बढ़ेंगे और और सफलता मिलेगी दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा और काम धंधा आपका आगे बढ़ने वाला है कुल मिलाकर के कड़ी मेहनत करते हैं तो प्रतिफल बहुत अच्छा मिलेगा कारोबार अच्छा चलेगा जैसा मैंने कहा आकस्मिक परेशानियां आएंगी तो आकस्मिक सफलता भी मिलेगी विद्यार्थी या जल्दबाजी में कोई फैसला न लें प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है संबंध में मधुरता आएगी संबंध में मजबूती आएगी और जीवन साथी से सम्मान मिलेगा प्रेम मिलेगा विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं कोई विशेष परेशानी तो नहीं कहूंगा पर फिर भी खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और पुराना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है तो सचेत रहिएगा लकी अंक आपके लिए एक लकी कलर पिंक आज आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ आज देव दीपावली है तो सायंकाल घर में घी का दिया पांच सात नौ या ग्यारह की संख्या में घी का दिया मोमबत्ती इत्यादि नहीं घी का दिया न तेल इत्यादि का घी का दिया जलाइएगा धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया यूं समझ लीजिए कि पूर्वाभास लेकर के आ रहा है दिन घटनाओं के घटित होने से पहले ही आभास हो जाए ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही दिन फायदा देने वाला है पर आपको भी सचेत रहना है जल्दबाजी में आज आप भी गलत कदम उठा सकते हैं सो एकाग्र होकर के मानसिक भटकाव को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियंत्रण में रख करके आगे बढ़िए कारोबारियों को सफलता मिलेगी कारोबार को बढ़ाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं धन की समस्या से जूझ रहे थे तंगी से तो तंगी से आपको मुक्ति मिलेगी यूं समझ लीजिए कि आपकी हर समस्या सुलझती दिखाई पड़ रही है हर उलझन से आप बाहर निकलेंगे आत्मविश्वास में वृद्धि और प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है प्रेमी से मुलाकात के लिए बातचीत के लिए विशेष करके बातचीत से प्रेम संबंध में कोई भी परेशानी हो तो वो दूर होगी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए परिणाम आपके पक्ष में है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा लकी, लकी कलर आपके लिए पीला है निवेश आप कर सकते हैं आज देव दीपावली है तो एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आज सायंकाल घर में घी का दिया जलना चाहिए पांच सात नौ ग्यारह की संख्या में घी का दिया जलाइएगा मकर के जातकों की बात करूं तो गृह कलह की संभावना है जरा सचेत रहना होगा सावधानी में ही आज आपकी सुरक्षा है हालांकि अच्छी बात यह है कि हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा पर परेशानी भी होगी परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिएगा और कहीं मुसीबत में पड़े तो परिवार का ही साथ ढूंढिएगा वैसे किसी पुराने मित्र की मदद से भी आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बन सकता है रुका हुआ काम बन सकता है आज प्रयत्नतः किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा न बने या ऐसा कार्य जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो सामाजिक कार्य हो रहा हो ऐसे जगहों से दूर रहे माता के स्वास्थ्य को लेकर क्या चिंता रहने वाली है या संभव है कि माता के साथ ही प्रातःकाल विवाद हो यानी कुल मिलाकर के माता के स्वास्थ्य की परेशानी ही मूलतः मुझे दिखाई पड़ रही है

सभी मकर राशि के जातक ध्यान रखें आज देव दीपावली है सायंकाल घर में घी का दिया अवश्य जलाइए पांच सात नौ ग्यारह की संख्या में कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है अद्भुत हर तरह से फायदा देने वाला नजरिया सकारात्मक किसी भी तरह के विवाद इत्यादि की स्थिति में आपकी जीत कारोबारी है तो कारोबार पर आपका नियंत्रण खर्च पर आपका नियंत्रण आय में वृद्धि साथ के लोगों का जबरदस्त साथ समस्याएं आपका पीछा छोड़ देने वाली हैं कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है भाग्य का दरवाजा खुला हुआ है तो समय आपके पक्ष में है तो हाथों हाथ इस समय का फायदा उठाइए मौका आपको मिलता चला जाएगा सोच समझ करके आगे बढ़िए फायदा मिलेगा दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रेमी और जीवन साथी इसमें से विशेष करके प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है विपरीत के प्रति आकर्षण ठीक है परंतु आज विपरीत का अपमान मत करिएगा नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे विद्यार्थियों को थोड़ी निराशा होगी लेकिन अंततोग सफलता और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है सभी कुंभ राशि के जातक आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें लकी अंक एक लकी कलर आपके आज क्रीम है आज देव दीपावली है सो सायंकाल घर में घी का दिया पाँच सात नौ ग्यारह की संख्या में अवश्य जलाइए और निवेश भी आप कर सकते हैं तो वहीं मीन के जातक वाणी पर नियंत्रण रखें खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा आकस्मिक घटनाएं घटिंग घटित होंगी आकस्मिक धन लाभ की संभावना है करियर में सकारात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही है बस आज आपको किसी भी बात को लेकर के तयस में नहीं आना है अड़ना नहीं है शांत रहना है वाणी की कड़वाहट को जितना हो सके दूर रखिए बोझ मत लीजिए तनाव मत पालिए शांति के साथ आगे बढ़िए बात बात पर क्रोध मत करिए किसी से उलझिए मत दिन अच्छा होगा व्यापारी हैं तो व्यापार का विस्तार आप करिए सफलता आपको मिलेगी जीवन में जो भी कठिन स्थिति परेशानी है इसको दूर करने के लिए जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे राय मशवरा करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो तनाव परेशानी टेंशन चिंता इससे आपको मुक्ति मिलेगी हर क्षेत्र में हर पड़ाव पर आप सफल होंगे किसी की बुराई नहीं करनी है किसी का अपमान नहीं करना अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए रुका हुआ काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है फंसा हुआ पैसा मिलता दिखाई पड़ रहा है दाम्पत्य जीवन सुखद प्रेम संबंध में भी अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहे दिन और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है परंतु नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है सभी मीन राशि के जातक आज गोदुग्ध का दान करें अब गोदुग्ध कहां से मिलेगा ये तो देखना होगा होगा नहीं हो तो जो दुकान से मिले वही दुग्ध ले करके दान करिए और आज देव दीपावली है तो सायंकाल घी का दिया घर में अवश्य जलाइए सात नौ ग्यारह की संख्या में घी का दिया जलाना होगा तो प्रिय दर्शकों यथा था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी अभिक्रे बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार